समाचार। कांग्रेस एवं एनपीपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दल में योग किया। आज हाफलोंग बीजेपी कार्यालय में एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ, जिसके दौरान कांग्रेस एवं एनपीपी के साथ कार्यकर्ताओं ने योग किया। आज के इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला सभापति दौरफाइनन थाउसन, साहित्य परिषद के कार्यवाही सदस्य निपोलाल होजाय, नंदिता गोलसा, लालराम चेमादारने, एमएसएस नंजित कैम्प्राय, रतन जरमबुसा, लिटन चक्रवर्ती एवं बीजेपी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सभा के दौरान बीजेपी जिला सभापति दौरफाइनन थाउसन एवं उपस्थित कार्यवाही सदस्यों ने आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत तय है और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर डिमा हासाओ जिला के उन्नयन कार्य करने को कहा। हंगूरी नाम सभी उपस्थित हुआ और मंडल कमेटी का प्रेसिडेंट मंडल का, तो आप लोग आज ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से एक महीना से ज्यादा हो गया। कांग्रेस का वर्कर्स कौन लीडर्स कौन ज्वाइन करते हैं आप लोग भी मालूम हुआ, सुना होगा, कोई फेसबुक यूज करने वाला तो देखा होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हमजानुल नटासा और सेक्रेटरी प्रोग्रेस कैम्प्राय उन भी यहाँ में ज्वाइन किया, और साथ ही साथ उन जो कार्यकर्ता उनका वर्कर्स उन को भी ज्वाइन कराया। कल में भी लंपिंग में शायद 300 प्लस ऐसा कुछ लंपिंग में भी ज्वाइन किया कांग्रेस से। अतिकाली कॉन्सेंस से भी आगे में यहाँ में आके ज्वाइन किया, बाकी जो है मोमेंट 300 से ज़्यादा जितना आने सका यहाँ आके ज्वाइन किया, बाकी सब आने नहीं सका क्योंकि COVID-19 के लेके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने लगता बोल के लोकल में ज्वाइन कराएगा, यहाँ में बाकी लोग नहीं आने से भी होगा तब पूजा में ज्वाइन कराएगा। और माहौर में भी टू टाइम्स ज्वाइन किया, और भी मुँह में सारण गोष्ठी में बाजार एरिया का लोगों को ज्वाइन करने के लिए तारीख मांगा, हम लोग तारीख दे नहीं सका। बहुत सारा आदमी ज्वाइन किया इसमें, और गर्म पानी से भी ज्वाइन किया, इवन हमारा डॉक्टर कॉन्सिटेंसी से भी कांग्रेस के कितना कोई लीडर्स लोग ज्वाइन किया। आप लोग ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा, पूरा देश में ही कांग्रेस तो अभी मतलब कार्यकर्ता नहीं है, लीडर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा आदमी बीजेपी में ज्वाइन करके आए, पूरा हमारा भारत में ही कांग्रेस का तो पोजिशन ठीक नहीं है, इस हिसाब से आप लोग भी ज्वाइन किया अच्छा लगा। और साथ ही साथ आप लोगों को हम मतलब थैंक देता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी करेगा। इससे पहले आगे दूसरा पार्टी चाइना में पार्टी सबसे बड़ा पार्टी लेकिन अभी सबसे बड़ा पार्टी था। सबको मालूम है कि मैं हमारा इंसान नहीं बोला था, बोर्ड का हाई स्कूल का ऐसे तो इतना सारूंगा पार्टी है वो समय में थोड़ा गलती हो गया है, थोड़ा सा हमें नहीं था वो, फिर भी हम लोग कोई सब देखते डेवलपमेंट जितना सारा डिस्ट्रिक्ट में वो हाथों तो लोग हम का एक छात्र है बेटे कम्युनिटी का ऊंचाई में देखते और टाउन एरिया और जगह जगह में हम टीवी में देखने मिलता, आजकल नेट का जमाना है सब देखने मिलता, इसलिए बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के इस बीजेपी सरकार को हम ज्वाइन किया है, क्योंकि आगे जा करके अगर इसे डेवलपमेंट चलते रहेगा तो खासकर हम माइनॉरिटी है बेटे कम्युनिटी के लिए तो और क्या बोलेगा, बहुत बहुत बड़ा चीज बड़ा काम इस बीजेपी सरकार ने करके दिया है। अभी भी हम लोग
पियंकरी में वो तीन जगह में जितना भी एक रास्ता बनाना है वो पास हो चुका है। हम लोग सोचता है हम लोग आने का समय में तो मानलव बन गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस का लीडर लोग भी जितना हमारे साथ आए हुए महिला दल से भी बहुत खुश है, इसलिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हमारा ऊपर में जो अच्छा काम करेगा उसको हम सेवा नहीं करेगा तो वो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोग का धर्म में भी नहीं है इतना। हम लोग दो समय में थोड़ा गलती हो गया। तो देखिए अभी तो ऐसे बात को होने का और दरकार नहीं है, मंडी हॉल में नहीं के इतना आराम से दूसरा गैदरिंग फेस्टिवल जो जो भी चीज में भी ऐसे और जो मना नहीं सकता, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और सोसाइटी का अमीर भी सुनती है लेकिन तो मालूम होता है बाद में कभी किसी भी इसका फेस में निकल जाता है, क्योंकि चीज़ तुम देखने मिलती है ना। इसलिए ऐसे पार्टी में ज्वाइन करने से हमको भी पूरा सफाई फेस आएगा, ऐसे दिल होता है। और जैसे कि आगे में हम लोग का लास्ट इलेक्शन में तो हम लोग यही बोला जिससे हम लोग साहब से बोला कि कुछ दिनों में बीजेपी बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। उस टाइम में हम लोग कमजोर करने के लिए भी कांग्रेस से काम करा थे, लेकिन एक बार तो हम लोग जितना भी जितना सकता है ऊपर वाला आपका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, बेसिक मिलेगा ऊपर वाला से समय में मदद भी देगा बोलते पूरा है। आगामी इलेक्शन के पहले में हम लोग जरूर शक्ति लगाएंगे, बुद्धि कोशिश करके जैसे कैसे भी फैमिली की लीग में बीजेपी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और खाली है और हम लोग का बीजेपी कम्युनिटी और बीजेपी सोसाइटी में जितना सकता बीजेपी पार्टी को आवाज़ पूरा हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेगा, और घर घर में हम लोग डिस्कशन भी चलाने की कोशिश करेगा। एंड नाटक में हम उसके जिहार जी और हम लोग का बीजेपी महासव जी एस चंदन जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हम लोग का मंगल बैठे हैं और कार्यकर्ता है। और आज में जो आज आया आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप तो यहाँ आया इसलिए आप लोग को क्योंकि इसलिए जनगण गंभीर क्योंकि आप लोग नंबर्स में आज 10 हैं लेकिन जो भी आया 10 सदस्य भी क्या है आप इंजिन है, एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग लीड करके आया है। पहले एनडीपी बोलिए कांग्रेस बोलिए और आप लोग का सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो आप लोग एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से लीड करके आया है। और उम्मीद है यही जो आगे जो लीड करके आया है उसका जो एक्सपीरियंस है वहाँ का जो आपका स्किल है वो स्किल हम लोग का यहाँ भी पार्टी में आ करके भरपूर कुछ चीज यहाँ में भी इम्प्लीमेंट करेगा बोलकर आशा रखता है। और साथ ही साथ हम लोग का जो हम लोग के बीच में जो बीच में एक जो गैप था एक से नाला इसमें जो नाला आप लोग एक दो पहाड़ में हम लोग एक पहाड़ में तो वही जो पहाड़ को मिलाने के लिए जो ब्रिज ब्रिज का कार्य बहुत आज में बहुत खुशी का दिन है हम लोग का बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज में फेंगपुई विलेज से कांग्रेस वर्कर खास वर्कर एक्टिव वर्कर प्रेसिडेंट विलेज लेवल का और सेक्रेटरी और महिला तरफ का विलेज लेवल का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेक्रेटरी भी है कांग्रेस की तरफ से और एनपीपी का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट और लास्ट टाइम का जो एनपीपी का कैंडिडेट जो खड़ा उनका वो भी अभी बीजेपी पार्टी में इस बार ज्वाइनिंग हुआ, बहुत खुशी लगा। और अभी का हम बीजेपी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हमका सीएम सर
गोरलासर जी का अंदर में जो काम डेवलपमेंट का काम जो देख के जो इक्वालिटी मेंटेन करके लास्ट टाइम में हमका फेंगपुई बस्ती में भी बीजेपी थोड़ा खराब रहा, फिर भी डेवलपमेंट में नहीं छोड़ा, सब आगे लेके गया वाला जो ये लेके हम लोग उनका सीएमसआर भी डेवलपमेंट में भी फेंगपुई में बहुत रास्ता गले बोलो स्कूल गले और पीएमएवाई में बोलो और जो गरीब गरीब फैमिली के लिए जो बीपीएल फैमिली के लिए भी बहुत हम काम किया है वहाँ में बीजेपी गवर्नमेंट से भी। तो ये सब देख के अभी हम लोग उनका बस्ती का जो मेन खास वर्कर फेंगपुई विलेज का खास वर्कर कांग्रेस का हो एनपीपी का हो अभी साथ दिया है बीजेपी में, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग उम्मीद करता है आने वाला जो इलेक्शन जो एमएलए का इलेक्शन में तो बीजेपी अच्छा परसेंटेज में फेंगपुई में भी आएगा, खाली फेंगपुई में भी नहीं पूरा डीमा हासाओं में अभी देखने में मिलता है पूरा डीमा हासाओं में अच्छा परसेंटेज एक आसाम का अंदर में हम लोग का डीमा हासाओ नंबर वन परसेंटेज बीजेपी होगा बोल के अभी हम लोग देखने मिला और आशा भी करता और होगा भी हाई बोल के हम विश्वास करता है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट जो काम हो रहा है अंदर द लीडरशिप और उनका सीएम सर गोरलासर जी का अंदर में जो हो रहा है अभी सब यहाँ का डीमा हासाओ का पब्लिक लुक देख के बहुत खुश है हम लोग देखने मिला। तो ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के लिए जो सबको एक साथ लेके जाके सब कम्युनिटी एक साथ लेके डेवलपमेंट का रास्ता में जो लेके गया और आने वाले दिन में भी ऐसे होते रहेगा बोल के हम आशा। और हम एनपीपी का वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, तो इतना दिन तो एनपीपी में था लेकिन जो सरकार बीजेपी सरकार आया मुझे भी अच्छा लगा, जैसे कि डेवलपमेंट कर रहा है वही सब में हम देख के अच्छा लगा। और हम फेंगपुई बस्ती का है, फेंगपुई बस्ती में भी जैसे डेवलपमेंट अभी हो रहा है और होने वाला है उन सब को देख के भी हम अच्छा लगा, खुशी लगा। इसलिए इस सरकार में रहने से हमारा बस्ती और हमारा कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा बोल के हम अच्छा लगा। इसलिए आज हम एनपीपी का वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के ये बीजेपी सरकार में ज्वाइन किया। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, हमारा जो सीएम गोरलासर सर उन्होंने जो काम किया है किसी ने नहीं करने वाला और उन चीज़ को भी बहुत कुछ किया है। कमती बोलता तो है मगर काम ज़्यादा बहुत करता है, ये हम ऐसे माफिक सीएम रू बहुत अच्छा लगा और कभी देखा भी नहीं है। हर रिलीजन को रेस्पेक्ट किया, हर कम्युनिटी को रेस्पेक्ट किया और बहुत सोच विचार करके हर कम्युनिटी के ऊपर में भी काम किया। जैसे कि ये पूरा बीजेपी कमजोर होने का जगह को भी कोई नहीं छोड़ा, पूरा इक्वल देख के ऐसे काम किया, अच्छा लगा। ऐसे तो सार का सीएम सार का जो बातचीत बोल के इतना नहीं सुनता है लेकिन काम बोलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में धीमा हासाओं में अगर ऐसे करते ही रहेगा ऐसे डेवलपमेंट जाते रहेगा उसका लीडरशिप का अंदर में जो काम ऐसे चलते रहने से और दो तीन साल के बाद तो हम लोग जाग जाएगा, अभी भी जाग गया है। और डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग भी सब देखने मिलता है, मेरा खास कर हमारा बेहतरी कम्युनिटी बहुत माइनॉरिटी है, मेरा खारथोंग एरिया देख के भी आदमी लोग अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन हम लोग जो डोनेट किया था वही सब देख के भी मंदिर की तरफ से भी बहुत अच्छा लगा, उन लोग खुशी है तो लीडर लोग, इसलिए हम लोग अच्छा लगा बोल के ज्वाइन किया। और हम लोग का तो हम पहले में कांग्रेस वर्कर रहा फेंगपुई विलेज की तरफ से, एक टू विलेज लेवल कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेसिडेंट भी बैठा और लास्ट सेकेंड दोबारा में फिर पुलिंग बूथ प्रेसिडेंट बोल के भी बना। तो अभी हम
बीजेपी में डिसाइड किया, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके काम करेगा बोल के हम डिसाइड करा। और क्योंकि अभी हम लोग देखने मिलता है हम लोग का देश में सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, जैसा हम लोग देखने मिलता है डेवलपमेंट का बहुत ज़बरदस्त चलता है। और स्पेशली हम लोग का गरीब लोग उनका देखभाल में बहुत हम लोग का सरकार कुछ डील करके हम लोग का गरीब लोग उनको देखभाल करा बोल के हम लोग देखने मिलता है। इस सब से बहुत अच्छा लगता है। हम भी खाली हमने है, हम लोग का साथी भाई लोग भी और बहुत है आके रास्ता में आके दिन में ज्वाइन करेगा बोल के हम पूरा से हम बोल नहीं सकता। और हम लोग का मेन चीज़ तो इटू है आगे जैसा हम बोला खुद हम लोग का फेंगपुई विलेज में भी, हम लोग का फेंगपुई बस्ती में भी हम लोग बहुत कुछ देखने मिला। 30 houses 30 families के जैसा तो एकदम PMAY स्कीम मिला, दो लाख रुपये मिल के घर अच्छा अच्छा बना। और खाली इटू नहीं है, टॉयलेट से लेके रेशन पानी सब कुछ हम लोग का बीजेपी सरकार से गरीब लोग उनका ऊपर में बहुत ध्यान दिया बोल के हम लोग देखने मिलता है। ऐसा देख के हम लोग बहुत खुशी हुआ और ऐसा पार्टी में हम लोग ज्वाइन करने से हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। न्यूज़ पेपर में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं रोशिला आपसे विदा लेती हूँ।